प्रशासन ने 3 कंटेनमेंट क्षेत्रों को खोल दिया। ये तीनों कंटेनमेंट क्षेत्र शहर के मध्य में है। एक कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों ने कंटेनमेंट क्षेत्र में सेवाएं देने वाले शासकीय कर्मचारियों का स्वागत कर सम्मान किया। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए थे। इन कोरोना मरीज के ठीक होने तथा कंटेनमेंट अवधि पूरी होने पर तीनों क्षेत्रों महेश्वरी दयानंद मार्ग, राजस्व कॉलोनी और काटजू नगर को कंटेनमेंट से मुक्त किया। इनमें से राजस्व कॉलोनी क्षेत्र के रहवासियों ने कंटेनमेंट अवधि में रहवासियों की सेवा पे तत्पर रहे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों का पुष्पहार से स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित थे। जिला चिकित्सालय के सेफ्टी टैंक में लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। खबर के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 3:45 बजे अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड के पीछे खाली पड़े पॉर्च में सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई की जा रही थी। इसी दौरान कर्मचारी ने सेफ्टी टैंक में लाश तैरती देखी तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश निकलवाकर पीएम रूम में भेजी। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये लाश किसकी है, यह हादसा है या दुर्घटना। शासकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार करवा रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज जल्द ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। शुक्रवार शाम 8 मरीज स्वस्थ होकर घर गए थे। शनिवार सुबह फिर स्वस्थ हुए 5 मरीजों को मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दी गई। स्वस्थ होकर घर गए मरीजों में 4 रतलाम तथा 1 जावरा का पेशेंट है। मरीजों के उत्साहवर्धन के लिए एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, एएसपी सुनील पाटीदार, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित पहुंचे थे। स्वस्थ हुए मरीजों ने बताया, 10 तारीख को यहाँ आ गए थे, आज छुट्टी हुई है, यहाँ बहुत अच्छा लगा, सब व्यवस्था भी अच्छी है, इसी प्रकार की परेशानी भी आई है। डॉक्टर का व्यवहार कैसा रहा आपसे? सब अच्छा रहा, डॉक्टर नर्स वगैरह सबका अच्छा रहा, है ना जी। एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े ने नियमों का पालन कर सुरक्षित रहने की अपील करते हुए कहा, आज 5 पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन लोगों से बातचीत भी हुई है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है, डॉक्टर ने बहुत अच्छा, पूरी मेडिकल टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और अभी 32 एक्टिव केसेस में अभी बचे हुए हैं, जो भी वो भी बहुत अच्छी स्वस्थ हैं। टीम के हिसाब से बता रहे हैं काफ़ी तरह स्वस्थ है, तो हो सकता है जल्दी ही बहुत डिस्चार्ज हो जाए। रेलवे अप यार्ड में बीती रात को एक मालगाड़ी के एक डिब्बे के 2 पहिए पटरी से उतर गए। दुर्घटना राहत दल ने इन डिब्बों को पुनः पटरी पर चढ़ाया। इस घटना से कोई जनहानि या रेल यातायात बाधित नहीं हुआ। घटना शुक्रवार मध्य रात्रि की है। इंदौर से चलकर आई एक ब्लास्ट ट्रेन को शंटिंग करके रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जा रहा था। यह ट्रेन जब अप यार्ड से होकर प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी, तभी ट्रेन का एक डिब्बा बेपटरी हो गया। इस डिब्बे के 2 पहिए पटरी से उतर गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही रेल अधिकारी सहित दुर्घटना राहत दल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। दुर्घटना राहत दल ने बेपटरी हुए डिब्बे को पुनः पटरी पर चढ़ाया। इस दुर्घटना के कारण कोई जनहानि नहीं हुई और रेल यातायात भी बाधित नहीं हुआ। ये मालगाड़ी हमारी नागदा साइड से आ रही थी, इसको दिन भर का काम खत्म हो गया था। ये हमारी मटेरियल ट्रेन है, इसमें बैलास्ट लोडेड था। इसका दिन भर काम खत्म होने के बाद ये हम इसको रतलाम स्टेशन पे ला रहे थे, ताकि इसको नेक्स्ट दिन हमको इंदौर साइड में काम कराना था, उस साइड जाती हुई। तो अब आते समय ये इसमें एक जो हमारा वैगन है वो 2 व्हील से, एक बोगी और 4 व्हील से डिले हुआ है। और ये अभी हमारी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन आ रही है, उसके आने के 1 घंटे के अंदर ये ठीक हो जाएगा। कोई भी यातायात बाधित नहीं है और किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ है। रेलवे में कुछ विभागों के कर्मचारियों का विलय करने से विभागों के कर्मचारियों ने विरोध किया। विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने मौन प्रदर्शन किया है। रतलाम मंडल कार्यालय पावर व आरएसटीएल विभाग को आपस में मर्ज करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के समय मौन प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के शाखा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में किए गए इस मौन प्रदर्शन में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और मुंह पर मास्क बांध रखे थे।
एक 17 तारीख बुधवार को मंडल कार्यालय द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कहा गया कि पावर और RAC और DL जो विद्युत विभाग के अलग अलग तीन सेक्शन हैं, इन तीनों को मर्ज करने का एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में यह था कि जो तीनों सेक्शनों को मर्ज कर दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा। आज हम सभी ने अपनी इस पर असहमति दी है। हम चाहते हैं कि ये एक नहीं हो, क्योंकि ये तीनों के सेक्शन और काम अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जीप के ड्राइवर से प्लेन के ड्राइवर का काम करवाना या ट्रेन के ड्राइवर का काम करवाना लगभग है। हम इसके पूरे विरोध में हैं, हम इसे होने नहीं देंगे। इसकी कार्यप्रणाली अलग है, दोनों के सेक्शन अलग है, विभाग अलग है, वर्किंग अलग है, और हम पूरा इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज किस तरह से आपका विरोध प्रदर्शन रहा? हमने लंच टाइम में 12 बजे आके शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के बिना किसी की चिल्लाचोट करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने इसको विरोध को किया है। रविवार को होने वाला सूर्य ग्रहण ज्योतिष और वैज्ञानिक स्तर पर सबसे खास होगा। सूर्य ग्रहण कंगन की तरह दिखाई देगा, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रविवार सुबह 10:11 पर शुरू होकर यह ग्रहण दोपहर 1:42 पर समाप्त होगा। सूतक शनिवार रात 10 बजे से शुरू होगा। ग्रहण का प्रभाव राशियों पर रहेगा। ज्योतिष में कर्क, वृश्चिक तथा मीन पर अशुभ, वृषभ, तुला, धनु, कुंभ पर मध्यम तथा मेष, सिंह, कन्या तथा मकर राशि पर श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। ग्रहण मिथुन राशि पर है, लेकिन इसका फल मिथुन पर अशुभ से कुछ ठीक रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित संजय शिव शंकर दवे ने AN टाइम्स को सूर्य ग्रहण के महत्व पर बताया। देखिए, कल जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पूर्व यानी कि आज रात को 10 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। कल जो ग्रहण लगेगा वो 10:11 पर प्रातः से चालू हो जाएगा। उसका जो मध्यकाल होगा 11:52 और उसका जो मोक्ष है वो 1:42 तक रहेगा। 3:41 का पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और दूसरा जो आपने जैसा पूछा कि सूतक काल के अंतर्गत एक नियम होते हैं कि हम लोगों को सूतक काल के अंतर्गत भोजन नहीं करना है ना। सूतक काल के अंदर खान पान संबंधी इन चीज़ों से बचने का जितना हो सके प्रयास करें, और यहाँ तक कि ग्रहण काल जब लगता है तो ग्रहण काल में बाहर ना निकले, सूर्य को नग्न आंखों से ना देखें, ये चीज़ें मुख्य तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर भोजन करोगे तो आपकी पाचन तंत्र जो है, क्योंकि सूरज की जो किरणें पड़ेगी उससे पाचन तंत्र प्रभावित होगा, इसलिए शास्त्रों में भोजन को निषेध माना गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, इसमें इस सूर्य ग्रहण का को क्यों आखिर इतना महत्व दिया जा रहा है, क्या कारण है और इसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो ग्रहण है इसको प्राथमिकता से वर्तमान समय पे और इस महामारी के अंतर्गत इसलिए महत्व माना जा रहा है क्योंकि ये जो ग्रहण है 21 जून को पड़ने वाला, अभी तक ज्ञात सूत्रों के अनुसार 100 साल में आज तक नहीं पड़ा, 100 साल के आंकड़ों में। और इसके अंदर 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, 6 ग्रह वक्री हो रहे। दूसरा, सूर्य जब दक्षिणायणी हो जाता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़े दिन के अंदर सूर्य को ग्रास करके जब ये ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी के वातावरण में अनायास परिवर्तन होता है, अनायास चेंज होता है, जिससे मानव जीवन की सोच, उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मानसिकता पर प्रभाव पड़ने के कारण जैसा कि आपने पूछा देश दुनिया के ऊपर, तो देश दुनिया में हलचल पैदा होती है, गतिविधियाँ, दुर्घटना यान, मानसिकता स्थिति विपरीत होगी तो स्वाभाविक है दुर्घटना यान, दुर्घटना और सैन्य गतिविधियों में तेजी, आपसी विवाह, झगड़ा, मनमुटाव, इन चीज़ों की प्राथमिकता हो जाती है, इसलिए इस ग्रहण को महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा, अभी चल रहा है कोरोना महामारी, इस सूर्य ग्रहण के बारे में चेन्नई के किसी वैज्ञानिक का दावा है कि सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना महामारी का प्रभाव कम हो जाएगा, ज्योतिष क्या कह रहा है? नहीं, ज्योतिष की अगर माने तो सूर्य ग्रहण से इसके ऊपर कोई प्रभाव कम होने की स्थितियाँ नहीं लग रही है, क्योंकि सितंबर के एंड तक थोड़े महामारी का असर कम होगा, लेकिन ये महामारी आने वाले 2021 फरवरी तक कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के रूप में ये स्थिर रहने वाली है। आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पवनजीत सिंह बनवाला एवं मूलाराम पोटलिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा रघुवीर सिंह महासचिव द्वारा अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा ने रतलाम शहर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी संजय सिंह तोमर को आदर्श जाट महासभा की राष्ट्रीय युवा विंग में राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया है। संजय सिंह तोमर की नियुक्ति पर गजेंद्र सिंह चाहर, डॉक्टर योगेंद्र सिंह चाहर, संतोष जाट एवं श्रीमती कुसुम चाहर, आजाद भारती, मुकेश शर्मा, किशोर सिंह परिहार, भूपेंद्र तोमर, विनय तिवारी, बंटी लुइस एवं मुकेश चौधरी तथा अनेकों गणमान्य जन द्वारा श्री तोमर को बधाई दी। रतलाम के जाट युवा समूह में हर्ष व्याप्त है।
डॉक्टर तरुणेंद्र मिश्रा के सहयोग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस शाखा ने रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज को 13 प्लस ऑक्सीमीटर भेंट किए हैं। मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने कहा, ये मशीनें कोविड 19 के मरीजों के लिए उपयोगी साबित होगी। डॉक्टर तरुणेंद्र मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा, इंडिया के और इसलिए और कि इन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो इसलिए धन्यवाद। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग अपनी पसंद की चीज़ें देते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं रहती। इस समय हमारी ज़रूरत है पल्स ऑक्सीमीटर की, क्योंकि जैसा आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और उसका मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो दिस विल हेल्प अस, प्लस हम ये जो पल्स ऑक्सीमीटर हैं जो हम सर्वे कर रहे हैं अभी रतलाम में, उनमें भी इनको यूज़ करेंगे, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि किन किन लोगों का पल्स में ऑक्सीजन की कमी है। तो मैं फिर रिमाइंड करूँगा, रिपीट करूँगा कि ये बहुत अच्छा रहा कि इन्होंने हमें जो चीज़ चाहिए थी वो दी। इस मौके पर शाखा प्रबंधक हेमराज मिश्रा, अर्पित जानी, महेंद्र सिंह, राजेश गिरी, आशीष जैन, मनोज अंसारी सहित स्टाफ उपस्थित था।